नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम सुक्खू का आज ऊना दौरा है। स्थानीय लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी शंखनाद किया है। सीएम सुक्खू जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा है। राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपके क्षेत्र के विधायक बार बार मेरे पास आ रहे थे, खाना भी खा रहे थे, हर चीज का स्वाद बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। 26 तारीख की रात है, मनु सिंह जी ने भी कर दिया। हमने सोचा उनको ये ठीक है। मैंने कहा कि कल सुबह सब लोग आप वोट, कांग्रेस के प्रत्याशी जो देश के नामी वकील है, देश के नामी वकील है, उनके पक्ष में करना। 20 तारीख को ब्रेक पर डिनर किया, मुख्यमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री की पारिवारिक में जो घटना घटी हम सब उसके शामिल थे, लेकिन इन्होंने पार्टी में आना सोचा। खाना खा रहे थे, सब पहुंच गए। 27 तारीख को 26 की रात में क्या गोलमोल हुआ, 27 तारीख को इन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला। और वोट डालने के बाद विधानसभा सेशन चला हुआ था, अभी नहीं पहुंचा था। बबलू जी बीमार थे, कहते मैं आ रहा हूं, मेरे को जल्दी आप कोई कुछ इंतजाम कीजिए। उन्होंने अपने पैसे से अपना हेलीकॉप्टर का किराया दिया, ये आए वोट डाला। एकदम पता लगा कि 6 विधायक गंगा घाट क्रॉस कर गए। हमने पूछा कंडा घाट क्यों गए, हमको नहीं पता। कंडा घाट के लगे कि भागो भागो, हमको पता नहीं, रिजल्ट नहीं निकला। 4 बजे परिणाम आया तो 34 हमको पड़े, 34 उसको पड़े। हमें तब पता लगा कि भाई ये जो कह रहे थे, जो हमारे पोलिंग एजेंट अंदर बैठ के कह रहे थे, वो सही निकला। इन 6 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला। फिर भाग्य कंडा मत, हमने सोचा पता नहीं गलती मार के अगले दिन बजट पास करना है। 28 तारीख को बजट पास होना था और उस बजट में आम लोगों से जुड़ी समस्याएं थी। मैंने कहा हम कोई वादा 5 साल के लिए पूरा नहीं, पूरा करने के लिए नहीं रखेंगे। मैंने कहा हमने 15 लाख की बात नहीं की है, हमने 1500 की बात की है। हम 1500 अपनी महिलाओं को देंगे। उस बजट में जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उस बजट में 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा, उसका जो मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि सुविधा होगी, वो सारी सरकार देगी। 4% डीए की किस्त सरकार देगी। बेचारे पुलिस के कर्मी होते हैं, 210 रुपए आसात में उनको मिलते थे, 8 रुपए मिलते थे टाइट बनी के। मैंने उसको बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए। फिर मनरेगा में हमारे मजदूर लगे होते हैं, मैं देखता था कि मनरेगा में जो हमारी माताएं हैं, भाई हैं, उनको जो असेसमेंट के बाद दिहाड़ी बहुत कम करती थी, मैंने उसमें सीधा बढ़ाकर 60 रुपए की बढ़ोतरी की। 300 रुपया मनरेगा के मजदूर को 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो गया। किसान, जो किसान है, आज तक हिंदुस्तान में किसी ने गाय के दूध का मूल्य फिक्स नहीं किया, भैंस के दूध का मूल्य फिक्स नहीं किया किसी भी सरकार ने। हमने कहा 90% हिमाचल के लोग गांव में रहते हैं, हम जानते हैं गाय पालना कितना मुश्किल काम है, भैंस पालना कितना मुश्किल काम है। और मैंने गाय के दूध का रेट 45 रुपए फिक्स किया कि जो भी गाय उत्पादक होगा, पशु उत्पादक होगा, 45 रुपए लीटर उससे दूध सरकार खरीदेगी, और भैंस का 55 रुपए फिक्स किया जो 1 अप्रैल से लागू हो गया। और जो गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से गेहूं पैदा करेगा, वो गेहूं भी 40 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी, मक्की 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी।
मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत करसुगा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने देवता मूल महू नाग मंदिर में मत्था टेका है। वह उन्होंने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे लोगों का एक घमंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है जो सिर्फ उनको गालियां देने और कोसने का काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े घोटाले किए। ये वो लोग हैं दो जी से लेकर कोयला और चारा सब खा गया जिसको लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा नेता हमारे पास जिनका नाम ही नरेंद्र है, जो भगवान विष्णु के अंश है, जो हम सबका पालन करते हैं। एक से एक भरकर घोटाला जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2G से लेके कोयला तक, चारा तक सब खा लिया इन लोगों ने। इतने बेशरम, इतने शर्मनाक घोटाले इन लोगों ने करे हैं, उसका एक जहरीला मिश्रण बना हुआ है। और दूसरी तरफ निश्चय ही जिनका नाम नरेंद्र है, विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश है जो हम सबका पालन करते हैं। मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस सरकार की बागडोर संभाली है, मेरी प्यारी बहनें जानती हैं कि हमें अब पहली बार लग रहा है कि कोई हमारी वाकई में चिंता करता है। मंडी में कांग्रेस पार्लियामेंट की विशेष बैठक का आयोजन हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक। विक्रमादित्य ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कंगना का पूरा सम्मान करते हैं, कंगना उनकी बड़ी बहन के सम्मान है, लेकिन अब लोगों ने उन पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है तो उन्होंने इस महिलाओं का मुद्दा बना दिया है, जबकि वो कई बार स्वयं अपनी सहयोगी अभिनेत्रियों को लेकर बहुत कुछ कह चुकी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने कंगना को नसीहत दी है कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो दूसरों को इज्जत करना भी सीखिए। मैंने पहले ही कहा कि हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैंने शिमला से ही कह दिया है कि वो हमारी बड़ी बहन है, और अगर कोई अपशब्द उनके बारे में कहेगा हम उनका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मगर उनकी भी जवाबदेही है। उन्होंने जो अपनी सहयोगियों के प्रति जो अपशब्द के जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने पूर्व में जिसका प्रयोग किया है, मैं उन चीजों का यहां पे उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। जो उन्होंने शब्द अपने को स्टार्स के बारे में कहे हैं, जब कीचड़ उछलेगा तो सबके ऊपर उछाला जाएगा, ये बात भी मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाले, आप दूसरों के जो है कैरेक्टर का हनन करें, असैसिनेशन करें, और अगर आपके बारे में कोई बोले तो फिर वो जो है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इस तरीके का दोहरा मापदंड और दोहरा चित्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना भी सीखो। ये सुजानपुर से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की और चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। साथ ही सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झूठी बुनियादी से लोग अब परेशान हैं और 9 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने बेईमानी की है और अपमानित किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 12 घंटे में झूठा इल्जाम लगाकर अयोग्य घोषित कर दिया है, जिससे अब जनता ही 1 जून को अपना फैसला सुनाएगी। कंगना रनौत की अलग फील्ड है और अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इस बात पे खुशी है कि हिमाचल की बेटी बड़े ऊंचे स्थान पर जो है, चाहे प्रीति जिंटा है, उसके बाद कंगना रनौत है, यामिनी गौतम है, ऐसे कुछ स्टार जो हैं हिमाचल के से निकले हैं जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में जो है बड़ी ऊँचाइयों पर उन्होंने जो है वो अपने जीवन में मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन राजनीति भिन्न क्षेत्र है, यहाँ पर उनकी कोई योगदान अभी तक नहीं है। महज वो सिर्फ मोदी जी का गुणगान गाते हैं और मोदी स्तुति से ही उनको जो है वो टिकट यहाँ पे दिया गया है। तो लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है और दोनों तरफ से सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं।
एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत सरकार का दम भर रही है और इन 6 विधानसभा चुनावों को जीतने की ताल ठोक रही है। इसी को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जयराम हिमाचल में सरकार बनाने के स्वप्न देख रहे हैं। और वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार भी बनाया है, तो ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनको जिन लोगों ने उनको चुना उनके लिए नहीं, वो सिर्फ अपने लिए हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आज भी मेजॉरिटी में है क्योंकि आज विधानसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 62 हो गई है। 6 विधायक क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो 6 पे चुनाव होंगे, 62 में 34 कांग्रेस के विधायक हैं और 25 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 निर्दलीय हैं। तो आप आंकड़ा लगा लीजिए कि आज की तारीख में भी अगर हम निर्दलियों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गिने तो वो 28 और हम 34 हैं। 6 उपचुनाव होने जा रहे हैं और आपने देखना कि कांग्रेस पार्टी 6 के 6 उपचुनाव जो है वो एक बार फिर जीतेगी और हमारी स्ट्रेंथ वापस 40 पे जाएगी। अब जहाँ तक जयराम जी का सवाल है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। वो तो जब पिछली बार चुनाव हुए थे, मेन चुनाव हुए थे, तब भी कहते थे कि हमारी सरकार जो है ऐतिहासिक जीत की ओर जा रही है, तो वो अपनी बातें जो हैं कुल केवल सपने देखने के लिए बोलते हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश के पूर्व विधायकों की स्थिति एक राजनीतिक आत्मघाती दास्तां के बराबर हो गई है। उन्होंने बताया है कि पूर्व विधायकों की स्थिति हास्यास्पद बन चुकी है। वो जिस भी दल में ज्वाइन कर रहे हैं उस दल में राजनीतिक विस्फोट हो जा रहा है। जो हिमाचल प्रदेश में इस समय राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें ये मुख्य किरदार निभाने वाले 6+3 विधायक, 6+3 इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 जो कांग्रेस से निष्कासित हुए और वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, 3 जो हैं वो अपने आप को स्पीकर महोदय के पास जाके ये अपील कर रहे हैं कि हमारी जो 5 साल का जनादेश है उसको 15 महीने में समाप्त कर दिया जाए। अब इससे ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आया। हमारे पास 40+3 43 विधायक होने के बावजूद इनके पास 25 थे और इन्होंने राज्यसभा सदस्य के चुनाव में जीत हासिल की। इससे ये जो पटकथा लिखी गई थी ये काफ़ी पहले लिखी गई थी और जिसका मुख्य किरदार है केंद्र की। सुजानपुर से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दी है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की और चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। साथ ही सुखू सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झूठी बुनियादी से लोग अब परेशान है और 9 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने बेईमानी की है और अपमानित किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 12 घंटे में झूठा इल्जाम लगाकर अयोग्य घोषित किया जिससे अब जनता ही 1 जून को अपना फैसला सुनाएगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 15 महीने की सरकार झूठी घंटियों का सहारा, झूठ की बुनियाद, इन सब चीजों से लोग परेशान हैं और जिस तरीके से 9 विधायकों के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बेईमानी करी है और जिस तरीके से उनको अपमानित किया है, जिस तरीके से उनको 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से 12 घंटे में ही झूठा इल्जाम लगा के नोटिस करके उनको जो निष्कासित किया है, अब हम जनता की अदालत से इंसाफ चाहेंगे और इंसाफ आने वाली 4 जून को जो है वो मिलेगा। 1 जून को वोट पड़ेंगे। भारी मतों से सभी के सभी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं और पूरे देश में कमल जगह जगह खिलने वाला है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभिनय नहीं बल्कि राजनीति का क्षेत्र है। कंगना की फील्ड अलग है और राजनीति की फील्ड अलग है।
उन्होंने कहा कि बेशक कंगना ने अभिनय के क्षेत्र में बुलंदियां हासिल की है, लेकिन राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं है और उन्हें केवल प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करके टिकट मिला है। कंगना रनौत की अलग फील्ड है और अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इस बात पे खुशी है कि हिमाचल की बेटी बड़े ऊंचे स्थान पर जो है, चाहे प्रीति जिंटा है, उसके बाद कंगना रनौत है, यामिनी गौतम है, ऐसे कुछ स्टार जो हैं हिमाचल के से निकले हैं, जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में जो है बड़ी ऊंचाइयों पर उन्होंने जो है वो अपने जीवन में मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन राजनीति भिन्न क्षेत्र है, यहाँ पर उनकी कोई योगदान अभी तक नहीं है। महज वो सिर्फ मोदी जी का गुणगान गाते हैं और मोदी स्तुति से ही उनको जो है वो टिकट यहाँ पे दिया गया है। तो लेकिन हिमाचल का मतदाता जो है इस आधार पे वोट देता है कि एक डिपेंडेबल जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन होगा, कौन ऐसा प्रतिनिधि होगा जिसको जब वो चाहें वो पकड़ सकें, अपनी बातें रख सकें, अपनी जो इलाके की समस्याएं उनको वहाँ पे उनके सामने रख सकें और अपने विकास के मुद्दों की चर्चा कर सकें। तो ये अभिनय का क्षेत्र नहीं है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी जो है पिछले लगभग 10 सालों से काम कर रही है, इन्होंने नेता और अभिनेता का जो फर्क था उसको खत्म कर दिया है। चाहे प्रधानमंत्री के स्तर पर देखें, चाहे निचले स्तर पर देखें, ये सभी के सभी अभिनेता बन गए हैं और अभिनेता बनकर ही लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आरके अग्निहोत्री ने गर्मियों में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गर्मियों के मौसम में तेज धूप से हर कोई परेशान हो जाता है, साथ ही ये मौसम अपने साथ कई बीमारी भी लेकर आता है। वहीं गर्मियों की धूप का असर आपकी बॉडी स्किन और पाचन तंत्र पर भी पड़ता है, इसीलिए इस मौसम में जरा सी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि इस मौसम में अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। गर्मी का मौसम अप्रैल में शुरू हो गया है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और जो मौसम विभाग की सूचना ही है कि इस दिन 15 दिन लगभग ज़्यादा हीट होगी, जो कि पहले 5 या 10 दिन की होती थी, उसी के बंदे रखते हमने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हमारे सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की हमने मीटिंग ले चुके हैं और मीटिंग में सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को ये निर्देश दे दिए हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडारण रखें और खासकर ORS और जिंक की पैकेट जो है वो तैयार रखें। सभी अस्पतालों में, सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमारे वहाँ पे हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स को अलर्ट पे रखें। अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है वहाँ पे जाएं। गर्मी में मुख्यतः देखा गया है कि डायरिया सबसे पहले आता है। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार श्रमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगी और अगर प्रतिभा सिंह मैदान में उतरकर चुनाव लड़ती हैं तो बड़ी संख्या से चुनाव हार जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मामले में ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। प्रदेश में भी कई ऐसे घोटालेबाज नेता हैं जो कि सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर मामले होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के भी उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से पराजित होगी। इसके कई कारण हैं। कारण ये है कि कर्मचारी, पेंशन, युवा बेरोजगार, इनको कुछ नहीं मिला इन 15 महीनों में। आप बताइए, जो अभी सरकार ने जो पेंशनों को जो अभी एरियर देने की बात कही है, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000, ऊँट के मुंह में जीरा है। तो आप देखिए, जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए एरियर लेना था उनको जो है मतलब तोड़ मरोड़ के दिया गया पेंशनों को, और कर्मचारियों को तो किसी को नहीं दिया, वो तो बिल्कुल मिला ही नहीं है। तो इसके साथ मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में सरकार कैसे जीतेगी। हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी, पेंशनों का, युवा बेरोजगारों का एक बड़ा भारी जनसमूह है और आप देखिए कि अब कोई गारंटियाँ तो इनके पास है नहीं, क्योंकि अभी इनकी गारंटी में कोई विश्वास करेगा नहीं। 10 गारंटियाँ पीछे दी, वो भी तोड़ मरोड़ के दी। आप देखिए, जो महिलाओं को 1500 देने थे वो भी नहीं मिले। पिछले विधानसभा चुनाव में फार्म भरे थे 1500 रुपए के, वो अब इस चुनाव में एक अधिसूचना और निकाल दी कि 5 लाख महिलाओं को मिलेंगे जी, बाकी जो है मतलब 23 लाख को नहीं मिलेंगे। चार्ज हुए उसके बारे में सीबीआई और ईडी क्या कर रही है, वो क्यों खामोश है, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। मैं दंड बना रहे हैं,
करोड़ों अरबों रुपए खा करके दम दना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शिमला में सेब उत्पादक संघ का सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें प्रदेश के 18 ब्लॉक के 300 सेब उत्पादकों ने हिस्सा लिया है और सेब बागवानी भी आर्य समस्याओं को लेकर मंथन कर रहे हैं। सेब उत्पादक संघ के 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 18 ब्लॉक में जाकर बागवानों के सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें बागवानों की समस्याओं को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं सेब उत्पादक संघ के राज्य सचिव पूर्ण ठाकुर ने बताया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश में सेब बागवानी करना मुश्किल हो गया है। खाद और कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई हैं, इसमें सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आज जो यहाँ कालीबारी के अंदर जो अधिवेशन हो रहा है, वो जो सेब की खेती है ये घाटे का सौदा बन रही है, इसको लेके हिमाचल प्रदेश के जिन खंडों में सेब होता है वो 18 खंड है, 18 खंड के 300 से ज्यादा यहाँ डेलीगेट आए हैं। यहाँ मुख्यतः चर्चा जो इस अधिवेशन में हुई है वो यूनिवर्सल कार्टन को लेके हुई है कि जो किसान है यूनिवर्सल किसान के फायदे का, बागवान के फायदे का है, इसको लेके एक सहमति बनी। बदी में अर्की के व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें प्रेम प्रसंग मामले में महिला के पति ने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल बदी के साई रोड पर स्थित किराए के मकान में अर्की का व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। महिला ने अपने पति पर हत्या का शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। एसपी अशोक वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। आज एक महिला ने थाना बद्दी में सूचना दी कि वह साई रोड बद्दी के साथ रहती है और किराए के मकान में रहती है, उसके साथ एक व्यक्ति भी रहता है और रात को वो दोनों अलग अलग कमरों में सोए थे। आज प्रातः जब वह उठी तो उसने उस साथ सहयोगी को उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ में खून लग गया, तो उसे ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति मृत हो चुका है, जिस पर थाना में आकर बद्दी में उसने सूचित किया। तो बद्दी पुलिस को सूचना प्राप्त होने के उपरांत जो है पुलिस दल मौके पर पहुंचा, लाश को कब्जा में लिया और मौके का जो है वो बारीकी से मुआयना किया तो पूछताछ पे ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो इस महिला का जो पति है वो अलग रहता था, तो वो कल शाम को वहां पे देखा गया था। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को जो है कालका हरियाणा से जो है हिरासत में लिया है और जो नाश थी डिसीज की नाश है उसको जो है सीएससी नालागढ़ में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मुकदमा में अन्वेषण किया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 2 घंटे के भीतर भीतर इस व्यक्ति को जो है जो आरोपी है आरोपी को वहां से कालका से हिरासत में लिया। आगामी अभी उसकी जो डिसीज है उसकी नाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अभियुक्त को जो है वो पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। कुलुखे क्षत्रिय अस्पताल के सभागार में आपदा जागरूकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नर्सिंग की छात्राओं ने मॉक ड्रिल और नुक्कड़ नाटक के जरिए आपदा से बचाव को लेकर जागरूक किया और स्थानीय जनता को भी आपातकालीन स्थिति से बचाव करने के बारे में जागरूक किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर नागराज पवार ने कहा है कि आज का दिन आपदा जागरूकता दिवस के रूप में याद किया जाता है, जिसमें भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जा सके। 4 अप्रैल को हमने ये वर्ल्ड डिजास्टर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है और इसको हमने यहाँ अपने अस्पताल में भी मनाया। इनमें एक तो सबसे पहले जो 1905 में एक भूकंप आया था, उस भूकंप के दौरान जितने भी लोग मारे गए थे उसमें उनको ध्यान में रखते हुए हमने सबने 2 मिनट का मौन रखा। मौन रखने के बाद फिर इन बच्चों से क्या सबने यहाँ मॉक ड्रिल करी कि भूकंप अगर आ जाता है तो क्या करना है, कैसे उस समय एक्ट करना है। वो मॉक ड्रिल करने के बाद इन बच्चों ने जो हमारे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज क्रिश्चियन नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं प्लस जनता की भागीदारी से यहाँ एक स्किट वन एक्ट प्ले प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया गया कि अगर ऐसा डिजास्टर हो तो आप क्या करें, कैसे अपने आप को बचाएं।
अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।